हाउ टू राइट टाइटल, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग, अगर हम इनका सही से यूज़ करते हैं तो हमारी वीडियो सही ऑडियंस तक जाती है। हाँ, YouTube हमें प्रोवाइड करता है कि हमें अपनी वीडियो के टाइटल में 100 वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, साथ में एक कीवर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम अपने टाइटल के अंदर 2 से 3 कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं और 100 वर्ड्स लिख देते, जिसके वजह से हमारा टाइटल क्लिकबेट नहीं रहता है। जो सारा वर्ड्स हमें अपने डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है वो सारी चीज़ें हम अपने टैग में यूज़ करते, और जो चीज़ें हमें टैग्स में यूज़ करना होता है वो सारी चीज़ें हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिखते, जिसके वजह से जो हमारा वीडियो होता है सही ऑडियंस तक नहीं जा पाता और हमारे काफ़ी व्यूज़ डाउन हो जाता है। आपको हमेशा टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सही से यूज़ करना है ताकि आपका वीडियो सही ऑडियंस तक जाए। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो यार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो राइट टाइटल क्या होता है, टाइटल में कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, राइट टाइटल क्या होता है और टाइटल में कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है। कीवर्ड्स हमेशा हमें सर्च करने पर ही मिलता है। जो भी आपका टॉपिक है आपको सेम टॉपिक रिलेटेड यूट्यूब पर सर्च कर लेना है और वहाँ से एक कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है और अपने टाइटल में पेस्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको अपने टॉपिक रिलेटेड ही लिखना है, आपको अपने टॉपिक को थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना है ताकि आपकी ऑडियंस समझ सके कि आपने किस टॉपिक रिलेटेड वीडियो को क्रिएट किया है। टैग में हमेशा सर्चेबल कीवर्ड्स का यूज़ करना होता है, टैग में हमेशा हमें सर्चेबल कीवर्ड्स लिखने होते हैं जो ऑडियंस सर्च करती है, जैसे कि हाउ टू मेक थंबनेल। अगर आपका कोई टेक चैनल है, आपका एजुकेशन चैनल है या फिर आप कुकिंग रिलेटेड वीडियोस क्रिएट कर रहे हो तो आपको हमेशा ऐसे ही कीवर्ड्स को सर्च करना होता है। तो इस तरीके से कीवर्ड सर्चेबल होता है और आपको यही कीवर्ड्स को अपने टैग में यूज़ करना होता है। तो यार राइट टाइटल क्या होता है, राइट टाइटल वो होता है जो हमें सर्च करने पर मिलता है। आपको हमेशा सर्च करके ही अपने टाइटल में कीवर्ड्स का यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको वो सारी चीज़ें लिखना है जो आपका टॉपिक है, आपको अपने टॉपिक के बारे में लिखना है ताकि आपके ऑडियंस समझ सके कि आपका आखिर वीडियो किस टॉपिक पर है। और टैग में हमें वो सारी चीज़ें लिखना होता है जो ऑडियंस सर्च करती है। ऑडियंस आपके सामने कुछ इस तरीके से कीवर्ड्स को सर्च करती है। अगर आप भी कोई यूट्यूब पर टॉपिक सर्च करते हो तो आपको फुल वहाँ पर टाइटल को लिख के आपको टॉपिक को सर्च करना होता है और आपके सामने कुछ इस तरीके से कीवर्ड्स आते हैं और इनको हमें अपने टैग्स में यूज़ करना होता है, ना कि आपको इन सारी चीज़ों को अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना होता है। ये सारी चीज़ें हमें टैग्स में यूज़ करनी होती है जिससे हमारा वीडियो है हमारी सही ऑडियंस तक जा सके। तो इसी तरीके से आप अगर अपनी वीडियो में सही टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग का यूज़ करते हो तो बेनिफिट्स आपका ये जो आपका वीडियो है आपकी सही ऑडियंस तक जाएंगी। हाँ, मैटर करता है कि आपका थंबनेल कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका थंबनेल कैसा है। अगर आपका थंबनेल क्लिकबेट है और आप अपने वीडियो के टॉपिक रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में नहीं भी लिखते हो तो भी आपकी वीडियो रैंक करेंगी, क्योंकि आपका टाइटल सर्चेबल है, आपका टाइटल क्लिकबेट है, आपका जो थंबनेल है वो क्लिकबेट है और आपके जो टैग है वो रैंक कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको अपनी वीडियो में टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग का यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।